खड़े नांद गांव के ओवर ब्रिज के पास में, बस इसीलिए मैं हमारा तो फ्रेंड्स हम रास्ते में अपने कार का सामान लेने निकले हैं, मारुति 800 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये मारुति 800 SS का क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, जैपनीज मॉडल का, क्योंकि नहीं मिल रहा तो ये न्यू मॉडल का अपने लगाया है। और इसका हैंड ब्रेक केबल है ना, मिंडा कंपनी का है ना, इसको अपन देखते हैं, लगाने के बाद पता चलेगा कि न्यू मॉडल का दिया गया है मुझे ये मारुति है ना, उसके बाद लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। तो फ्रेंड्स हम अपना मारुति 800 जैपनीज का सामान लेके पहुंच गए हैं, और क्या क्या सामान मैंने लेके लाया है उसको अपन वॉच करते हैं। और आफ्टर मार्केट अगर जब मैंने खोजा तो मुझे कुछ पार्ट्स मिले हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा देता हूं कि कौन कौन से मुझे पार्ट्स मिले हैं और कौन कौन से पार्ट्स नहीं मिले हैं, है ना। तो अपन फ्रेंड्स मैं इसके पहले वीडियो में आपको भी दिखाया हूं कि मारुति 800 का सेल्फ का सोलेनोइड स्विच को मैंने लिया है, उसको कैसे रिपेयर किया, और रिपेयर होने के बाद जो काम नहीं कर पाया तो मैंने उसको नया भी लगाया है, तो नया का भी वीडियो मैंने डाल दिया, उसको आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे के रखा है। तो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं इसमें इसके ऑयल फिल्टर से, है ना, गाड़ी का। ये देखिए हमारा पहला जिसमें पुराना जो ऑयल फिल्टर लगा हुआ था, है ना, मैंने उसको निकाल दिया है, ये पुराना वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने नया ऑयल फिल्टर लेके लाया है, देखिए मारुति 800 SS के लिए, है ना, इसके पार्ट नंबर और ये तो गाड़ी फ्रेंड्स पुराना होने के साथ साथ थोड़े कुछ पार्ट्स चुनने भी होते हैं, है ना, नई गाड़ी में लुकास का ये, है ना, और कुछ कुछ पार्ट्स सेम मिल जाते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की गाड़ी है मारुति 800 SS, है ना, तो कुछ कुछ पार्ट्स तो ऊपर नीचे करके मिल ही जाएंगे, है ना, बाकी कुछ पार्ट्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो ये हमारा ये पहला ये हुआ है, है ना, उसको अपन साइड कर देते हैं। और दूसरा हमारा आ गया है फ्रेंड्स मेन ऑयल सील, है ना, ये देखिए ये अपना मेल ऑयल सील है, पहले पुराना इसमें लगा हुआ था, आपका नंबर दिखा रहा हूँ आपको, ये 60808 नंबर का है ऑयल सील, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने नया लेके लाया है, ये देखिए नया, ये भी कुछ उतना ही है 60808 का, ठीक है फ्रेंड्स। ये पुराना ऑयल सील हो गया, मैंने गियर बॉक्स जब आप उतारेंगे, है ना, तो उसमें मेन ऑयल सील लगता है, तो ये उसका मेन ऑयल सील है, है ना। और साथ ही मैंने ड्राई शाफ्ट का भी लेके रखा हुआ है, ये देखिए ड्राई शाफ्ट का दोनों तरफ का है, तो ये भी ख़राब हो चुका है, इसका जो नंबर आता है इसका नंबर है फ्रेंड्स 8105352995, है ना, तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ का ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स नया स्प्रिंग लगा रहता है साइड में, है ना, ऐसे दोनों तरफ ही इसका निकल चुका है, पुराना हो गया करके। हाँ इसका नंबर बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स मैं, इसका भी नंबर है 508772, नंबर मिलाना पड़ता है फ्रेंड्स, उसमें मिल जाता है, ठीक है, ये हमारा दो हो गया। और फाइनली हम आते हैं फ्रेंड्स बॉक्स के पास में, है ना, इसको अपन हटा देते हैं, ये मेरा बॉक्स मैंने कुछ मंगा के रखा हुआ था सामान, तो बॉक्स ओपन देख लेते क्या क्या मैंने मंगाया है, क्योंकि दिन फ्रेंड्स पानी गिर गया था तो बॉक्स के सामान भीग गए थे, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है इसका, ये एयर फिल्टर हटा देता हूँ, ये ओल्ड मारुति 800 SS के लिए,
ना, 90s की जितनी मॉडल उसमें लग जाएगी है ना, जितने तवे वाली कार्बोरेटर आती है उसके प्लेट उसमें फ्रंट से लग जाएंगे, है ना। ये हो गया, वापिस अपन रखते हैं। ये भी गाड़ी में मेरी फिटिंग हो रही है, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो समय नहीं मिल पाता मैं बनाने के लिए फ्रेंड्स, इसको भी अपन साइड रख देते हैं और इसमें देखते हैं और क्या नेक्स्ट। और इसका ये इसको देखते हैं खोल के इसमें क्या। ओहो, तो पार्किंग लाइट है नीचे तरफ लगता है, देखिए क्योंकि मैंने निकलवा के रखा हुआ था, है ना। ये भी देखिए ये फ्रेंड्स, गाड़ी जब मेरी पेंट होगी तब मैं उसको लगाऊंगा, उसके लिए मैंने मंगा के रख चुका है। और प्राइस तो अभी मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्राइस के लिए उसमें लिस्ट देखना पड़ेगा मुझे कितना लगा है, वो अभी कहीं फेंका गया होगा, रखा होगा मेरे पर्स में कहीं पे। उसको भी अपन अंदर रख देते हैं, है ना, बाद में इसको मैं फिट करूँगा। ये अपना ही सामान हो गया, और देखते हैं क्या अपने खजाने में पूरा निकालते हैं इसको बाहर। हाँ, एक छोटा सा और है फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा पार्किंग लाइट का, तो भी देखते हैं। देखिए दोनों तरफ का ही राइट लेफ्ट, ये मिलता बहुत रेयर है फ्रेंड्स। ये टाटा सुमो में भी लगता है मगर ये थोड़ा सा कुछ फ़र्क है, उसमें स्क्रू टाइट करने वाला आता है, ये स्क्रू वाला नहीं है, ये डायरेक्ट फिट करने वाला है। ये तो फ़र्क जानने का है, जो जान रहा है पुराना मिस्त्री वही बता पाएगा। ये हो गया, इसको अपन साइड कर देते हैं। ये पार्किंग लाइट का अपना हो गया, और अपना गैजेट को बाहर करते हैं। मैं देखते हैं क्या क्या है, कुछ कुछ सामान मिले हैं। ये मिल गया हमारा इंजन फाउंडेशन, है ना, इंजन फाउंडेशन रबर 3 पीस लगता है ये, अभी तो मुझे ही बस मिला है। और ये बैलेंसिंग राड फाउंडेशन, ये ख़राब हो गया था, मैंने नया मंगवाया है। ठीक है, मिलता नहीं क्योंकि ये जैपनीज मॉडल है और जैपनीज मॉडल का भी पार्ट्स आने बंद हो गए हैं, ओल्ड स्टॉक में रखा हुआ था करके मुझे मिल गया है। ये दो हो गए, और ये ना इसको भी साइड कर देते हैं, और ये भी, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फ्रेंड्स। हाँ, ये कूलेंट मैंने अलग से लिया है इसके लिए, जब मैं गाड़ी में काम करूँगा तब। रेडिएटर का भी वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, रेडिएटर का वीडियो भी दिखाऊँगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये अपना गियर लीवर कंप्लीट किट है, इसका बुश वगैरह है ना, तो अपन गियर लगाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और गियर लीवर कंप्लीट का बुश है, टेस्ट लाइट है, ना देखिए। तो भी रख देते हैं, और क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, एना बॉन्ड भी लेके रख लिया मैंने, लगाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, और इसका ये भी ले लिया हमने ऐसा, ये भी मैंने मंगा लिया था उन्हीं के पास से, मिल गया है ना, ड्राई शॉट में अपना लग जाएगा। दोनों तरफ का लेके रखा है फ्रेंड्स, है ना, ये भी उसमें राइट और लेफ्ट दोनों के लिए। इसके पैक अब तो खुला नहीं है, देखिए ये दोनों राइट लेफ्ट दोनों लग जाएंगे अपने। अब निकल रहा है फ्रेंड्स, मिल रहा है तो चेंज कर देना ज़रूरी है। कुछ कुछ जो पार्ट्स है अभी भी मैंने ऑनलाइन मंगा के रखे हैं, और कुछ ऑफलाइन भी मंगा के रखे हैं, है ना, इसको भी अपन साइड कर देते हैं। और ये हमारे पास बच गया ग्रीस, ये अलग से ग्रीस आता है फ्रेंड्स, ये है ना अंदर में मारने के लिए स्टेप, ये ग्रीस अलग ही होता है, ये नॉर्मल ग्रीस से अलग है, है ना। देखिए तो ये सामान हो गया, और क्या बच गया हमारा, ये इंजन ऑयल है ना, शेल का 20-40 है ना, तो ये मैंने लेके रखा हुआ नया ऑयल है ओरिजिनल, 750-750 रुपये कुछ पड़ा है 3 लीटर का ये। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान है सब निकाल के रखा है, एक बार आपको ऊपर से रिव्यू करा देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स,
ये इतना सारा सब सामान मैंने मंगा के रखा है एसएस का, और भी कुछ पार्ट्स बचे हैं ऑनलाइन आने के लिए, जो आएगा उसके बाद मैं गाड़ी के जब मेरी फिटिंग होते रहेगी तब मैं दिखाऊंगा आपको मैं। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हम अपने ओल्ड शॉप में, और भी सामान लेने आए हैं यहाँ पे, देखिए है ना, ये अपने अंकल है सामान देने के लिए। तो जो सामान लेने हैं, जो और कुछ बच गया है, एक क्लच केबल है मारुति 800 SS का है ना, और ये चक्का बेरिंग है इसका मेन हब का, और ये बैलेंसिंग बूस्ट है, चार टोक जो अलग अलग से लगता है ये है ना, और ये टाइमिंग बेल्ट बेरिंग है, दिखा देता हूँ मैं देखिए ये, और इसका ये टाइमिंग बेल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका गेवर रिवर माउंट है ना, VIR का, ठीक है। और भी कुछ कुछ सामान बचे हैं फ्रेंड, इसको भी निकलवाऊंगा मैं है ना। तो ये सब सामान फ्रेंड्स अब ये हो गया है, अपना केबल हो गया है ना, टाइमिंग बेल्ट हो गया है ना, और इसका प्राइस भी दिया हुआ, कुछ लेस होगा तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। सब VIR का ही है ना, ये भी अपना VIR का ही है ना, ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ, ये डिलक्स का है अपना। और भी कुछ ग्रीस वगैरह जैसा बचा हुआ सो सामान अभी निकलेगा यहाँ से है ना, क्योंकि मैं और उसका वीडियो बनाऊंगा, और भी कुछ सामान लेने ज़रूरत पड़ेगा मुझे, तो अभी तो फ़िलहाल इतना बचत सामान जो है, इसके बाद और कुछ लगेगा सामान तो फिर मैं उसका भी वीडियो बनाता हूँ मैं। तब तक लगे रहे फ्रेंड्स वॉचिंग, टैंक देव दीवाना।